नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद्र कुमार। दिन शुक्रवार, तारीख 4 अगस्त। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में हालन इलाके में एक आतंकवादी हमला होता है। इस आतंकवादी हमले में हमारे 3 जवान पहले घायल होते हैं और उपचार के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये खबर आपने हर न्यूज चैनल मीडिया पर देखी होगी, लेकिन विडंबना इस देश की ये है कि यही खबर, सिर्फ इतनी ही खबर हर जगह आती है जवानों के शहीद होने। इसके बाद क्या होता है, उन परिवारों के साथ क्या होता है जो इन सेना के जवानों से जुड़े होते हैं, किसी को पता नहीं चलता और किसी को इस बात की कोई परवाह भी नहीं होती कि हमारे देश के जवान हर रोज किसी न किसी सरहद पर किसी न किसी व्यक्ति की सुरक्षा में किसी न किसी आतंकवादी से लड़ते हुए, हर रोज कहीं नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं। और उनके पीछे एक भरा भूरा परिवार, हंसता खिलता परिवार मातम में बदल जाता है। हमें इसकी परवाह नहीं। हम कोशिश करते हैं शिवालिक जर्नल के माध्यम से कि हम उन परिवारों के बारे में आपको बता सकें, उन जवानों के बारे में आपको बता सकें जिन्होंने आपके, हमारे और हम सबकी आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। नमस्कार, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। ये खबर जो मैंने आपको बताई 4 अगस्त की है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में 3 जवान माफ कीजिएगा जो थे वो शहीद हुए। आपको बता दूं, इनमें से एक गुजरात के अहमदाबाद के भी जवान थे जिनका नाम था महिपाल सिंह वाला, उम्र महज 27 साल। 8 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे, इससे पहले 2 पोस्टिंग कर चुके थे और ये उनकी 3री पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में 34 RR के साथ। 6 महीने ही हुए थे जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हुए। 4 अगस्त को एक इंटेल इनपुट मिलती है कि हालन इलाके में कुछ आतंकवादी गतिविधि है, जिसकी सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाती है और 34 RR जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाती है। इस ऑपरेशन में जब, जैसे ही जो सेना के जवान होते हैं वो जब एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंचते हैं, तो अचानक से जब आतंकवादी ये देखते हैं कि वो सेना से घिर चुके हैं, जवानों से घिर चुके हैं, तो वो ओपन फायर कर देते हैं, वो बस्ट फायर करते हैं जवानों की तरफ। और इसी बीच हमारे जो जवान हैं वो 3 जवान घायल हो जाते हैं, जिन्हें तुरंत वहां से इवैक्यूएट किया जाता है, उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। आपको बता दूं कि जो ये जवान जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, गुजरात के अहमदाबाद के महिपाल सिंह वाला, जिनकी उम्र 27 साल है, वो 1 महीने पहले ही अपने घर आए। घर में एक छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन उनकी जिंदगी का शायद ये सबसे बड़ा प्रोग्राम। उनकी पत्नी 9 महीने की गर्भवती है, 10 दिन बाद वो पिता बनने वाले। अब सोचिए आप उस परिवार का क्या हाल होगा इस वक्त जब उनके जवान बेटे का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा होगा, तिरंगे में लिपटा हो। यूं तो हजारों लोग थे, भीड़ थी हजारों लोगों की अपने शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए। हर तरफ भारत माता की जय और शहीद महिपाल सिंह अमर रहे के नारे लग रहे थे, लेकिन उस परिवार पे सोचिए क्या बीत रही होगी जिसने अपना 27 साल का एक बेटा खो दिया। और उस पत्नी के बारे में सोचिए जो 9 महीने की गर्भवती है, कुछ ही दिन बाद जो एक बच्चे को जन्म देने वाली। उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसने इस दुनिया में आने से पहले ही अपने पिता को खो दिया। आप सोचिए, ये एक परिवार का दर्द है जो शायद कोई मीडिया चैनल नहीं दिखाएगा, शायद कोई बड़ा मीडिया नहीं, लेकिन यही हालत हर उस परिवार की होती है जो हमारे जवान शहीद होते हैं बॉर्डर से। सरकारें वादे बहुत करती हैं, सरकारें करोड़ों रुपए देने के वादे करती हैं, लाखों रुपए देने की वादे करती हैं, सुविधाएं देने की वादे करती हैं, सम्मान देने की वादे करती हैं, लेकिन अंत में सिर्फ और सिर्फ उन परिवारों के लिए रह जाता है संघर्ष, सारी उम्र का संघर्ष। एक पत्नी का संघर्ष, उसके बच्चे को पालने का संघर्ष, माता पिता का जो सहारा होता है वो सहारा खो जाते हैं। आप सोचिए एक बार में ही कितने सारे परिवार तबाह हो जाते हैं। आपको बता दूं कि कुछ लोग मानव अधिकार के नाम पर आतंकवादियों की पैरवी करते हैं इस देश में, यहां तक कहते हैं कि भारतीय सेना जुल्म करती है जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनके ऊपर, जबरदस्ती उन्हें आतंकवादी बनाया जाता है, उन्हें गोली मारी जाती है, बुरहान वानी और ऐसे अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों के मरने पर मातम मनाया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन वही मानव अधिकार अपने मुंह स्थान विशेष में डाल लेता है
जब हमारे देश के ऐसे जवान शहीद होते हैं, उन्हीं मानव अधिकार को हल्ला मचाने वाले लोग जो हैं वो शुतुरमुर्ग की तरह अपनी मुंडी जमीन में गाड़ लेते हैं। उन्हें ये दिखाई नहीं देता क्या ये महिपाल सिंह जो हमारे जवान शहीद हुए, जो उनका परिवार है, क्या वो मानव अधिकार के दायरे में नहीं आते? क्या वो बाकी तीन जवान मानव अधिकार के दायरे में नहीं आते जो इनके साथ में शहीद हुए? क्यों मानव अधिकार हमेशा आतंकवादियों नक्सलियों के लिए बनता है? क्यों किसी सेना के जवान, किसी सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ या अर्धसैनिक बल या जितने भी हमारे देश में जवान हैं जो सशस्त्र बल हैं उनके लिए नहीं बनता? सामने से पत्थर चलाता है कोई तो हमारे मानव अधिकार का मानना है कि सामने से अगर कोई पत्थर चला रहा है तो हमारा जो जवान है वो पत्थर खाता रहे, वो उसके बदले में कुछ ना करे, ये हमारा मानव अधिकार चाहता है। और जब ऐसे पत्थरबाजों का इलाज किया जाता है तो मानव अधिकार छाती पीटने लगता है। जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसके परिवार के बारे में सब कुछ पता होता है लोगों कि वो एक मास्टर था, वो एक मास्टर का बेटा था, क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर था, मजबूरी में उसने हथियार उठा लिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो हथियार उठा लिया और आतंकवादी बन गया? कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत कारण जो भरी जाती है युवाओं के दिमाग में। इसीलिए जम्मू कश्मीर जो है एक हम संवेदनशील इलाका है और वहां पर युवा जो है वो उन्हें उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, आतंकवाद की तरफ मोड़ा जाता है और वो इस तरीके के कदम उठाते हैं। और जब सेना उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करती है तो आपको पता ही हमारे देश की मीडिया और मानवाधिकार और इंटरनेशनल जो प्रेशर होता है वो किस तरीके से काम करता है। लेकिन कोई भी आज इस जवान के बारे में बात नहीं करेगा, महिपाल सिंह जी के बारे में बात नहीं करेगा, उनके ना पैदा हुए जो अभी पैदा नहीं हुआ है उस बच्चे के बारे में बात नहीं करेगा, उनकी पत्नी के बारे में बात नहीं करेगा जिसने बहादुरी के साथ, आप सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए एक पत्नी को, एक गर्भवती पत्नी को जो अपने पति को सामने पार्थिव शरीर देख करके आंसू नहीं बहा रही है बल्कि गर्व से उसे सलाम कर रही, अंतिम विदाई दे रही है सलाम कर। वाकई में धन्य है ये धरती जो ऐसे परिवारों को देती है, जो ऐसे परिवारों के बच्चों को यहां इस देश की सेवा के लिए लगाती है। आप खुद सोचिएगा, मैं आज यही बताने आया था आपको, इस तरीके से हमारे देश में जो जवान है वो दिन रात हमारे और आपकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हमें भले ही उनकी फिक्र नहीं है लेकिन उन्हें हर एक शख्स की फिक्र है। जय हिंद, जय भारत। विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए, आज ही डाउनलोड करें विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।